फ्रेंड्स वेलकम टू प्यारा इंडिया। फ्रेंड बिहार में गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज को मिलाकर नर्सिंग के लिए लगभग 1000 प्लस कॉलेज हैं जहां पे नर्सिंग कोर्सेज जैसे कि बीएससी नर्सिंग, जीएनएम और एएनएम जैसे कोर्स कराए जाते हैं। अब बच्चों को यहां पे ये कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा बेस्ट कॉलेज है जहाँ पर हम एडमिशन लें तो हमारा पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिकल भी अच्छा हो सके, वहाँ पर सारा चीज़ की सुविधाएँ अच्छी हो। इसकी जानकारी अभी हाल तक नहीं मिल पाती है, मगर इसको लेकर एक नया नियम लाया गया है जो कि बच्चों के हित में बहुत ही फायदेमंद है। अगर आप बिहार के प्राइवेट या सरकारी कॉलेज से बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, एएनएम जैसे कोर्स करना चाहते हैं तो अब आपको बेस्ट कॉलेज में एडमिशन हो पाएगा। जैसा आप कॉलेज में चाहेंगे उस प्रकार से कॉलेज में आपका एडमिशन मिल पाएगा। इसको लेकर एक नियम बनाया गया जो कि ग्रेडिंग दिया जाएगा। अब क्या होगा कि कॉलेज की जाँच होगी, जाँच होने के बाद चार ग्रुप बनाए गए हैं, ए, बी, सी और डी। तो जिस प्रकार से कॉलेज में सुविधाएँ होंगी, सबसे अच्छी सुविधा होगी तो उसको ए ग्रेडिंग दिया जाएगा, उससे कम सुविधाएँ वाले कॉलेज को बी, फिर सी और डी। तो इस तरह से चार कैटेगरी बनाए जाएंगे जिस तरह से आपको समझने में आसानी रहेगी, आपको कॉलेज च्वाइस करने में आसानी होगी कि कौन सा कॉलेज किस तरह का है, उसका फी कितना होने वाला है। जैसे कि कॉलेज जो ए होगा उसका ग्रेडिंग अच्छा होगा तो उसमें सुविधाएं भी अच्छी होंगी उसकी और फी भी अच्छा होगा। तो उसी प्रकार से बी ग्रेडिंग का फी थोड़ा कम होगा, वहाँ पर कुछ सुविधाएँ कम होगी। ये दोनों चीज़ अभी फ़ायदा होने वाला है, मगर अभी ये स्थिति है कि बिहार के सभी कॉलेज का फी हाई है और कोई भी वहाँ पे सुविधा सही से नहीं मिल पाता है और बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है किस कॉलेज में एडमिशन ले, कहाँ पे ले, कैसे ले। तो ये सारी चीज़ें की अब सहूलियत होने वाली है और ये जो है 6 महीने के अंदर होने वाला है, यानी कि 2025 तक आप लोग को ये सारा चीज़ हो जाएगा, ग्रेडिंग मिल जाएगा। और अगर 2025 के बाद अगर आप जीएनएम, बीएससी नर्सिंग या एएनएम जैसे कोर्स करना चाहते हैं तो आपको बेस्ट कॉलेज चुनने में आसानी होगा। तो इन सभी चीज़ों की जानकारी आपको हम के साथ दिखाने वाले हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखें जो कि सारी जानकारी हो सके। और फ्रेंड प्यारा इंडिया यूट्यूब चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को प्रेस करें जिससे कि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। यहाँ पर जो भी वीडियो बनाई जाती है आपको रियल और फैक्ट के साथ बनाई जाती है, कोई भी बकवास नहीं किया जाता, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों साथियों को ग्रुप में भी शेयर करें कि उन लोगों को भी ये सही न्यूज़ मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना देरी के। तो फ्रेंड जो भी जानकारी है हम आप लोग को न्यूज़पेपर के कट से बता रहे हैं। ये हिंदुस्तान पेपर का 11 मई 2024 का न्यूज़पेपर लीजिएगा पटना का, उसमें ये न्यूज़ आप लोग को मिल जाएगा। तो ये चीज़ वहाँ पे दिया गया, जैसे कि सबसे ऊपर दिया गया संस्थानों में शिक्षक, छात्र और आधारभूत संरचना की जाँच होगी, यानी कि शिक्षक कितना है, छात्र कितने हैं, वहाँ पे क्या क्या सुविधाएं रखी गई हैं, उसके जांच होने के बाद उस कॉलेज को ग्रेडिंग दिया जाएगा। सभी नर्सिंग संस्थानों की 6 माह में होगी गारंटी, यानी कि 6 माह के अंदर आप लोगों को ग्रेडिंग मिल जाएगी। लगभग 2024 के लास्ट ये ग्रेडिंग की काम हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ बातें हेडलाइन में जो चीज़ें दी है उसको हम पहले देख लेते हैं, उसके बाद अंदर की बातें देखेंगे। तो यहाँ पे दिया गया है कि अगले माह से नर्सिंग संस्थानों की ग्रेडिंग के लिए शुरू हो जाएगी जाँच। ठीक है, ग्रेडिंग के आधार पर नामांकन का निर्णय लेने में छात्रों की होगी सुविधा, जो कि हम पहले आप लोगों को बता चुके हैं। और किस प्रकार से जांच की जाएगी ये चीज़ यहाँ पे दिया गया, तो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की राज्य यूनिट के अधिकारी नर्सिंग संस्थानों में बॉडी कैमरा लगाकर जाएंगे, यानी कि जो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया है उसके जो राज्य यूनिट में कुछ सदस्य सेलेक्ट किए होंगे, अधिकारी सेलेक्ट किए गए, वो सभी अधिकारी जो है अपने बॉडी पर कैमरा लगा के जाएंगे। देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया कि बॉडी पर कैमरा लगा रहेगा और इसके द्वारा इन कैमरों के आधार पर मुख्यालय में अधिकारी लाइव देखेंगे। जो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का हेड ऑफिस है वहाँ पे इस कैमरा जो लगा होगा इससे सीधे वहाँ के अधिकारी देखेंगे कि वहाँ पे क्या क्या सुविधाएं हैं। तो ये बहुत अच्छा मुहिम होने वाला है जिससे कि सारी सुविधाओं की सही जानकारी हो सकेगी। जाँच में पारदर्शिता के लिए ऐसी व्यवस्था की जा रही है, प्रत्येक संस्थान के आधारभूत संरचना की फोटो भी ली जाएगी। बिहार स्वास्थ्य विश्वविद्यालय और BNRC के पोर्टल पर नर्सिंग संस्थाओं की ग्रेडिंग देखेगी। अब देखिए ये ग्रेडिंग आप कैसे देख पाएंगे, तो बिहार स्वास्थ्य विश्वविद्यालय जो कि हाल ही में बना है और इस पर हम पहले ही वीडियो बनाकर बता चुके हैं, आप लोग नहीं वीडियो देखें तो जाकर देख सकते हैं कि जो भी अब नर्सिंग कोर्स हो गया, पैरामेडिकल कोर्स हो गया, इनमें अगर आप एडमिशन लेते हैं, 2023 में भी ले चुके हैं, तो इन सभी बच्चों का अब एग्ज़ाम जो है बिहार विद्यालय विश्वविद्यालय के द्वारा कराया जाएगा। पहले BNRC के द्वारा कराया जाता था, तो दोनों वेबसाइट पर आप लोग जाकर पोर्टल पर देख सकेंगे कौन सा कॉलेज को क्या ग्रेडिंग मिला है। ठीक है,
अब यहाँ पे दिया गया है दाखिला लेने वाले छात्र ठगी से बच सकेंगे। अब देखिए यहाँ पे ठगी ये होता है कि फी हाई पैसा ज़्यादा ले लेता है। अभी बीएससी नर्सिंग करने के लिए मिनिमम 8 से 7 लाख रुपए आपको लग जाते हैं किसी भी कॉलेज में, और वहाँ पे सुविधाएं बढ़िया नहीं होती है और ना ही पढ़ाई हो पाता है, बढ़िया टीचर नहीं रहते हैं, कैसे भी टीचर को बुलाकर क्लास किसी तरह करा लिया जाता है। तो ये सारी चीज़ों से आप लोग बच पाएंगे। तो यहाँ पर दिया गया है कि ग्रेडिंग से इन संस्थानों में नामांकन लेने वाले छात्र ठगी से बच सकेंगे। अधिकारियों की टीम संस्थानों में लगातार औचक निरीक्षण भी करेगी, यानी कि एकाएक कभी भी आकर निरीक्षण भी कर सकते हैं। ये नहीं कि एक बार निरीक्षण हो गया, ग्रेडिंग मिल गया तो इस छोड़ दिया जाएगा, कभी भी फिर से अधिकारी क्या कर सकते हैं, आकर एकाएक जांच भी कर सकते हैं। लाइव निगरानी ऐप से एक अंतराल पर जाँच होने से लैब सहित संस्थान की व्यवस्था ठीक होगी। तो ये सारा चीज़ है, लाइव निगरानी होगी तो क्या होगी, संस्थान में जो भी चीज़ें हैं सही से कराया जाएगा। तो ये सारा चीज़ फ़ायदा होने वाला और इस तरह से जांच होने वाला। अब देख लेते हैं यहाँ पे और भी कुछ दिया गया है। तो जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि राज्य के सभी सरकारी निजी नर्सिंग कॉलेज और नर्सिंग संस्थानों की ग्रेड इन 6 माह में हो जाएगी। ए बी सी और डी 4 ग्रेडिंग में नर्सिंग और संस्थानों की चिन्हित होगी। ग्रेडिंग के पहले सभी नर्सिंग संस्थानों की जाँच की जाएगी। संस्थान विभाग में ग्रेडिंग के लिए जांच का जिम्मा क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया को दिया गया है। 1 सप्ताह के अंदर विभाग इसके लिए QCI को आवश्यकता राशि भी उपलब्ध करा देगा। राशि मिलने के बाद अगले माह से नर्सिंग संस्थानों की जांच QCI शुरू करेगी। QCI की राज्य यूनिट नर्सिंग संस्थानों पर प्रशिक्षण, छात्र, लैब, लाइब्रेरी, शौचालय, भवन सहित आधारभूत संरचना की जांच करेगी। QCI जांच रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग को देगी। इस रिपोर्ट के आधार पर स्वास्थ्य विभाग में इसके लिए बनी कमेटी नर्सिंग संस्थानों को ग्रेड देगी। इंडियन नर्सिंग काउंसिल को पर मीटर पर नर्सिंग संस्थानों की ग्रेडिंग मिलेगी। नर्सिंग संस्थान स्वास्थ्य विभाग विश्वविद्यालय से निबंधित होंगे। यहाँ पे एक बात जो कि हम पहले बता चुके हैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से, वही चीज़ दिया गया है कि नई व्यवस्था के तहत राज्य के सभी नर्सिंग स्कूल, नर्सिंग कॉलेज संस्थान बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय से निबंधित किए जा रहे हैं। ठीक है, पहले बिहार नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल से इनका रजिस्ट्रेशन होता था, हाल ही में ही निबंधन व्यवस्था बदली है। राज्य के मान्यता प्राप्त सरकारी और निजी पैरामेडिकल और नर्सिंग कॉलेज में 2023 सत्र और इसके बाद के नामित छात्र छात्राओं की परीक्षा बिहार विद्यालय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय लगी। तो ये बात आप लोग हम पहले ही बता चुके हैं कि 2023 में जो बच्चे एडमिशन ले चुके हैं, चाहे पैरामेडिकल कोर्स हो या नर्सिंग के किसी भी कोर्स में आपने एडमिशन लिया, चाहे बीएससी नर्सिंग हो, जीएनएम हो, एएनएम हो, सभी का एग्जाम जो है आप क्या करेगा तो बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय कराएगा। ठीक है, उसका दिया गया कि नर्सिंग संस्थानों में सालाना 28,000 नामांकन की क्षमता है। बिहार में जो भी नर्सिंग कॉलेज है वहाँ पे लगभग प्राइवेट और कॉलेज मिलाकर 28,000 बच्चे एडमिशन लेते हैं। राज्य में सरकारी नर्सिंग संस्थानों की संख्या जो है 121 है। तो यहाँ पे राज्य में सरकारी जो GNM, ANM और BSc नर्सिंग कॉलेजों को मिलाकर संख्या जो कितने हैं 121 है, और गैर सरकारी संख्याओं की जो है 504 है यहाँ पे। और यहाँ पे ANM, GNM, BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक, BSc नर्सिंग, MSc नर्सिंग की पढ़ाई होती है। सरकारी और निजी संस्थानों में विभिन्न कोर्स को सालाना लगभग 28,000 नामांकन क्षमता है। तो ये सारा चीज़ जो यहाँ पे दिया गया था आप लोग हम बता चुके हैं। वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों साथियों को शेयर करें, और इससे संबंधित कोई भी आपकी राय है या डाउट्स है कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। जहाँ तक मुझे जानकारी होगी आप लोग को रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से भी फॉलो करके हमसे जुड़ सकते हैं। तो फ्रेंड वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू।